सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर हम अपने दिमाग को कैसे समझाएं कि ये जो दुनिया की परेशानियां हैं ये हमें दुख ना दें। अपने अपने दिमाग को सच बात बताएं, और सच बात ये है कि हम सब ने मर जाना है, ये सबसे सच बात है। और अपने आप को सच बात ये बताएं कि जब हम इस दुनिया में आए थे ना, तो हम बिल्कुल लंग धड़ंग थे और खाली हाथ थे। और अपने दिल को ये समझाएं कि जब हम जाएंगे तो हम नंग धड़ंग और खाली हाथ ही होंगे। जो दरमियान का पीरियड है ना, ये बोनस पीरियड है, बोनस पीरियड है। इसके अंदर आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो। जो कुछ भी आपको हासिल होना है इस दरमियान के पीरियड में, वो सारा का सारा बोनस है, आपका मुनाफा है। नुकसान का तो कुछ आस ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने बिल्कुल खाली चले जाना। और जितनी हमारी एफर्ट है इस दुनिया के अंदर खुशी हासिल करने की, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके नतीजे में जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं या जो हैसियत प्रोड्यूस होती है, वो सारी की सारी हैसियत ये दरमियान के सफर के लिए ही है, बस आगे के लिए तो कुछ नहीं है। तो अपने आप और दूसरा है कि ये नागुजीर है, मर जाना नागुजीर है। आप जितना मर्जी कहते रहे, रोजाना तस्मियां करते रहे इस बात की, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, अब जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी खुलूस से करते रहे, मर तो जाना है। माफ कीजिएगा, मतलब अल्लाह करे अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन मैं आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहता हूँ, सीक्रेट के बहरहाल आपने और मैंने मर जाना है। और इतने हमारे इर्द गिर्द जितने हमें प्यारे नजर आ रहे हैं अपने, जिनके यानी जिनके सांस के साथ हमारा सांस सड़कता है, उन्होंने भी मर जाना है। तो इसका और ये जो एहसास है कि ये हम इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है, मरने वाले हैं, ये एहसास ही जिंदगी को इतना भरपूर बना देगा, इतना भरपूर बना देगा, और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग। मैं आपको मिसाल देता हूं, फर्ज करें मुझे पता लग जाए कि इस महीने की 31 तारीख को मेरा आखिरी दिन है, मैं मर जाना है। मैंने आपके ख्याल में आज से लेकर 31 तारीख तक मैं अपना वक्त कैसे गुजारूंगा? इस दौरान में मुझे को होश होगा कि मैं लोगों के बेईमानी करके लोगों से पैसे हथियाऊं? मुझे इस बात का होश होगा कि मैं किसी के मुंह पे थप्पड़ मारूं? मुझे इस बात का होश होगा कि मैं अपने वक्त को जाया करूं? मुझे इस बात का होश होगा कि मैं अपनी बीवी से लड़ूं, अपने बच्चों के साथ झगड़ा करूं, अपने जहां दफ्तर में काम करता हूं वहां जाकर मैं एक फसाद मचाऊं? ये होगा इसका होश? कभी भी नहीं होगा इस बात का होश। तो अगर 31 को नहीं मरना, तो जब भी मरना है तो मरना तो है। तो इस बात को जब भी आपको ये लगे ना कि यार मैं खुश नहीं हो रहा और मैं परेशान नहीं हो रहा, अपने आप को सच बताएं। और सच ये कि भाई साहब आपने यहां से चले जाना है, क्योंकि आपने चले जाना है लिहाजा इतनी गुंजाइश नहीं है हमारे पास कि हम अपने लिए अजियत और मुसीबत इकट्ठी करें। इसमें कुछ थोड़ा सा देना दूना भी पड़ जाए, कोई अपने हक को छोड़ना भी पड़ जाए, किसी को माफी करना पड़ जाए, किसी की ज्यादती को दरगुजर भी करना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं। हमने कौन से यहां हमेशा रहना है? हमने कहां से रहना है? ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन में आप अपना सोफे तो नहीं खरीद के रख देते? ट्रेन में आप अलग फ्रिज लगा के तो नहीं रख देते? बस जरूरत की चीजें रख लेते हैं। रास्ते में लंबा सफर है तो आप पराठे पका के रख लेते हैं आलू के, और साथ वालों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो खुशी की तो चाबी ये है कि याद रखें। मुझे एक वाकया याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि सीजर था ना बड़ा बादशाह, यूरोप के बड़े बादशाहों में से एक बादशाह था सीजर। तो सीजर ने अपने पीछे दो गुलाम खड़े रखे होते थे, नौकर, उसके कान में एक फिकरा कहते रहते थे, और जब वो भूल जाते थे तो सीजर मुड़ के देखता था, उनको याद आ जाता था, वो कहते सीजर यू आर मॉर्टल, उसके कान में कहते रहते थे। तो हम भी को दो बंदे रख लें पीछे, मे नॉट बी फिजिकली ना रखें, एक ऐसे मेटाफोरिकली और एक अपने ख्याल में रख लें, इमेजिनेशन की तो बड़ी ताकत है इंसान के पास। दो बंदे यहाँ बिठा दें, वैसे तो बैठे हुए हैं दो फरिश्ते, वो आपके कान में हल्का हल्का कहते रहे भाईजान यू आर मॉर्टल, भाईजान आप फानी हैं। जिस वक्त आपको पता लगेगा मैं फानी हूं, उसी वक्त जिंदगी अपनी भरपूर ताकत के साथ ना आपके सामने आ जाएगी।